हाँ दीदी, तखन बता रही कि अंडा के दवाई बनौला। जाना थी दीदी, हम टमाटर के फसल लगाए, उकरोह में कीड़ा लग जाए हथुन। जे दवाई बनाबे वो हमरो फसल में काम आता हो दीदी? हाँ दीदी, तो हूँ जो लगाई फसल में उकरो में काम आता हो, आरो फसल सब में काम आता। नींबू अंडा के दवाई बनाए के लिए ज़्यादा सामान के जरूरत नहीं पड़ेगा। ये दवाई बनाए के लिए नींबू लगतो और अंडा लगतो, ओकर बाद एगो प्लास्टिक के डिब्बा लगतो। ये डब्बा के ढक्कन टाइट रहना चाहिए और हवा नहीं घुसे चाहिए। हम प्लास्टिक के ढक्कन वाला डब्बा यही ले लिए ला, ताकि कोई गिराए नहीं देवे और ये दवाई बंद रहले ही अच्छा से तैयार होएला। सबसे पहले नींबू के काटबे दीदी, काटल वाला नींबू के अब यहाँ डिब्बा में निचोड़बे। थोड़ा रस के बढ़िया से निचोड़बे। अच्छा ठीक, अब एक छानि लेबे। अब तो ये छनाई गेलो दीदी, अब एक प्लास्टिक के डिब्बा में डालबे। दीदी के तो तनी बता ले के नींबू के रस कितना चाहिए? एक लीटर। हाँ दी, एक लीटर चाहिए। हाँ एक लीटर चाहिए। अब एक में छः गो अंडा डालबे और साफ करके डालबे। अब एकर में अच्छा से बंद कर देबे टाइट करके, ताकि एकर में हवा नहीं घुसते। हाँ दीदी, अब एक सड़ावे के लिए 25 से 30 दिन छोड़ दिए खेतो। एक दो बात याद रखबे दीदी, एक खोले के ना खो और हिला के ना खो। जब तक ले अंडा पूरी तरह से घुल नहीं जाता, तब तक ले एक हिला के भी ना खो और खोले के भी ना खो। दवाई बने के लिए एक महीना में तैयार हो जातो, और एक लगाए से तोर फसल और अच्छा से तैयार हो जातो। 30 मिलीलीटर दवाई के 10 लीटर पानी में मिलाए के पौधा में छिड़का ले फायदा होवेला। जे दीदी दवाई के मात्रा बतालीस उतने है लगता हो? हाँ दीदी, उतने लगते हैं तो हम इनके फसल खराब हो सकेला। हाँ दीदी, दवाई के बनाए के लिए बतालीस तो बहुत बहुत धन्यवाद। जोहर जोहर। नींबू अंडा दवा के प्रयोग से हम अपनी फसल को कई बीमारियों से बचा सकते हैं। साथ ही यह पौधों के लिए टॉनिक का कार्य भी करता है, लेकिन यह जरूर ध्यान रहे कि इसका प्रयोग एक निश्चित मात्रा में ही करना चाहिए, जिससे फसल को कोई नुकसान ना हो।